हमारी नींद, हम अपने आप को नींद डिप्राइव्ड रखें तो कुछ तो इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कि चिड़चिड़ापन, थकावट, सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी है ना, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम। बट अगर ये यही डेप्रिवेशन लंबे टाइम तक चले तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों में ये ओसीडी होती है कि जहाँ वो सो रहे हैं उसको साफ करेंगे और इनफैक्ट अच्छे से स्प्रे डालकर पूरा खुशबू में आराम से सोएंगे। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो खाना खाया बेड पे और साइड में किया और वहीं सो गए हैं, अपना बेड भी नहीं। तो आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट इज स्लीप हाइजीन। देखो, स्लीप इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इनफैक्ट हम अपने जीवन का एक तिहाई भाग नींद में बिताते हैं, है ना। लेकिन हम स्लीप हाइजीन के बारे में हम कुछ अवेयर नहीं है, है ना। जैसे डेंटल हाइजीन है, हम रोज दांत को ब्रश करते हैं, मेंटल हाइजीन है, वैसे स्लीप हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है बिकॉज लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो स्लीप हाइजीन के जो कुछ चीजें आप याद ध्यान रख सकते हैं, एक तो जैसे मैंने बोला कि अपने उठने और सोने के टाइम को फिक्स रखें, इसको ज्यादा ऑल्टर नहीं करें। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ऑलवेज वेरी गुड ना, वो पुरानी कहावत जो है वो अभी भी होल्ड ट्रू करती है आज के टाइम में भी। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप, आईपैड और जो भी कुछ आप यूज करते हो, उसको सोने के टाइम से एटलीस्ट एक घंटा पहले आप ऑफ कर दें। Okay. क्योंकि इसमें से जो लाइट निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करती है, हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। Okay. आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है ये। तीसरा, आप अपने सोने का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रखो। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ठंडे टेम्परेचर में नींद अच्छी आती है, हमारा बेड क्लीन हो, नीटली लेड हो, गद्दा कंफर्टेबल हो, दीज थिंग्स आर स्मॉल बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज हो गई हैवी मील नहीं खाना। पांचवी चीज हो गई, आप अपने बेड को, जैसे आपने बोला कि लोग क्या कर रहे हैं कि उसी में अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसी में खाना खा रहे हैं, उसी में लेट के टेलीविजन देख रहे हैं, तो प्लीज अपने बेड को खाली सोने के लिए ही यूज करें। बिकॉज क्या होता है ना, आप अगर अपने ऑफिस का काम भी बेड पे कर रहे हो तो वो बॉडी में एक स्टिमुलस का काम करता है, फिर जब आप सोने जाओगे तो सोने के टाइम भी वो ऑफिस का काम जो है का एक रिस्पॉन्स आने लग जाएगा, तो आपकी नींद गायब होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बेड को खाली सोने के लिए ही यूज करें। फिर कुछ और, जैसे दिन में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, ये भी एक रीजन है कि लोगों को नींद नहीं आती। तो दिन में जरूर एक्टिविटी होनी चाहिए, इनफैक्ट कुछ कार्डियो, वॉकिंग, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, 20 मिनट अच्छी एक्सरसाइज भी हेल्पफुल है। आई थिंक टी कॉफी अवॉइड करना, जैसे मैंने बताया। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स विच यू कैन फॉलो, जो स्लीप हाइजीन आपका बेटर कर देंगे। सर, अगर किसी को इंसोमिया है और कुछ टाइम से इंसोमिया है, तो क्या वो एक बड़ी डिजीज के रूप में भी बदल सकता है, या फिर इंसोमिया एक अपने में ही बड़ी डिजीज है? हाँ, देखो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि क्रॉनिक स्लीप डेप्रीवेशन पे, कि अगर हमारी नींद, हम अपने आप को नींद डिप्राइव्ड रखें तो कुछ तो इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कि चिड़चिड़ापन, थकावट, सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी है ना, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम। बट अगर यही डेप्रीवेशन लंबे टाइम तक चले तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि नींद इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो फिजिकल और मेंटल रेस्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलता, तो लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो सकती है। फिर हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ना, पैरालिटिक अटैक्स आना, ओबेसिटी। आप देखो आजकल ओबेसिटी का एपिडेमिक चल रहा है दुनिया में, कितने लोग हैं जो ओवरवेट ओबीज हैं। तो एक हाइपोथेसिस ये भी है कि उसके पीछे रीजन ये है कि लोग कम सो रहे हैं, तो जहां पे लोग कम सो रहे हैं वहां पे ओबेसिटी, डायबिटीज, है ना, ये सारी प्रॉब्लम उसका भी रिस्क बढ़ रहा है। तो इट इज वेरी हार्मफुल, एंड आई थिंक समय आ गया कि हम सबको एक स्टैंड लेना चाहिए कि अपनी नींद पे हमें डेफिनेटली प्रॉपर टाइम देना है और उस पर मेहनत करनी है। नींद बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर स्लीप भी नहीं करना है। 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, आई वुड से इसमें भी अलग अलग लोगों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट 7 से 8 घंटे एक एडल्ट के लिए। Okay. बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए डेफिनेटली और ज्यादा नींद चाहिए। ओके सर, अगर इंसोमिया किसी को है तो क्या कुछ ऐसी नेचुरल होम रेमेडीज हैं जो हम यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं या फिर आराम से सो सकते हैं?
तो देखो स्लीप हाइजीन हम फॉलो करेंगे, इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा इंसोम्निया जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा होता है। तो मैं जो पर्सनली जो चीज बहुत एम्फसाइज करता हूँ वो है इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन करो। तो मैं खुद भी इनफैक्ट ये फॉलो करता हूँ। तो एक जो बड़ी साइंटिफिक और जिसपे बहुत रिसर्च हुई है वो है सुदर्शन क्रिया, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में सिखाई जाती है। इसके अलावा एक सहज समाधि मेडिटेशन भी होता है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ टीचर विद आर्ट ऑफ लिविंग, तो मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये कोर्स के थ्रू ये चीजें सिखाई हैं और इमीडिएटली मैंने देखा है कि उनकी नींद में फर्क आ जाता है, नींद की दवाइयां उनकी काफी हद तक छूट जाती है। तो डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप जैसे मैंने बोला ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, इसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर रहे हो, गैजेट्स को अवॉइड कर रहे हो, चाय कॉफी कम कर रहे हो, रात को थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना ये भी एक तरह का डिस्ट्रेसर हो जाता है, और उसके बाद नहाने के बाद जो थोड़ा बॉडी कूल डाउन होती है तो उससे भी नींद में मदद मिलती है। ओके, एंड सर मैंने देखा है कि सोने से पहले कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं अलग अलग तरह की, तो उससे भी हेल्प मिलती है? ग्रीन टी कई लोगों को फायदा करती है, इस पे ऐसा कोई साइंटिफिक वो नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वो एक रिलैक्सेशन का काम करती है, बट ऐसा आई डोंट थिंक इसके पीछे कोई साइंटिफिक वो है। अच्छे से ध्यान रखा जाए तो। सर टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ एडवाइस दीजिए जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या फिर जो ये फील करने लगे हैं कि उनको इंसोम्निया तो नहीं हो गया। हाँ, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इंसोम्निया एक ट्रीटेबल बीमारी है, बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। इनफैक्ट क्या होता है ना कि जिसको नींद नहीं आ रही उसके लिए नींद के बारे में सोचना या नींद के टाइम जब नजदीक आता है तो उसको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि मैं सारी रात मेरे को जगना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बोला कि आप सिंपल टिप्स जैसे मैंने बताई वो फॉलो करके अपनी नींद को बेटर कर सकते हो, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो हमारे पास मेडिसिन होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन बंद भी हो जाती हैं। क्रॉनिक इंसोम्निया में मेडिसिन थोड़े लंबे टाइम देने जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरवेंशन होती हैं जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब चीज़ों का भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब कि इंसोम्निया का ट्रीटमेंट है और हम आपको डेफिनेटली इसमें रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंसोम्निया से रिलेटेड तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, सर से जरूर कंसल्ट करें, साथ ही कोई भी दवाई बाहर से ना खाएं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और अपनी डाइट का, अपने स्लीपिंग शेड्यूल का बहुत ही मेजर आपको ख्याल रखना है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।